आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडं उघड करणार नाही. अजीत पवार और बारामती से विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं, एनसीपी के शरद पवार के भतीजे हैं, सुप्रिया सुले के कजन, तो कह सकते हैं एक बड़ा कद है अजीत पवार का एनसीपी में, महाराष्ट्र की राजनीति में. और अब उन्हें उद्धव ठाकरे कैबिनेट में डिप्टी सीएम बनाया गया है. तो उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया जा रहा है और एनसीपी के कोटे से 14 मंत्री जिसमें 10 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं वो शपथ लेंगे. उद्धव ठाकरे का अभिवादन किया अजीत पवार ने. भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं. मी अशोक शंकरराव चव्हाण ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन व महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अशोक शंकरराव चव्हाण ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. अशोक चव्हाण ने शपथ ली है कांग्रेस कोटे से. पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के शासनकाल में दिसंबर 2008 से नवंबर 2010 तक चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया था. महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शंकरराव चव्हाण के बेटे अशोक चव्हाण दूसरे मंत्री हैं अजीत पवार के बाद जिन्होंने शपथ ली है. अशोक चव्हाण कांग्रेस के बड़े नेता, महाराष्ट्र में अच्छी साख है अशोक चव्हाण की. बहुत सारे पदों पर रहे अशोक चव्हाण और विलासराव देशमुख की कैबिनेट में वो माइंस एंड प्रोटोकॉल मिनिस्टर थे, उद्योग मंत्री थे. तो अशोक चव्हाण और दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है. श्री दिलीप वलसे पाटिल
दिलीप वलसे पाटिल का नाम अनाउंस किया गया है, एनसीपी कोटे से मंत्री बनेंगे दिलीप वलसे पाटिल। मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणाने कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। काफी वरिष्ठ नेता है दिलीप वलसे पाटिल और शरद पवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं, अंबेगांव से जीत कर आए हैं और सातवीं बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बने हैं, तो काफी सीनियर मेंबर हैं दिलीप वलसे पाटिल और एनसीपी में खासी पकड़ है उनकी, शरद पवार के काफी नजदीकी। और एनसीपी के कोटे से उनको मंत्री बनाया गया है। उद्धव ठाकरे कैबिनेट का विस्तार आज किया जा रहा है, शिवसेना के कोटे से 12 मंत्री होंगे, इसमें 8 कैबिनेट 4 राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। कांग्रेस के कोटे से 10 मंत्री, इसमें 8 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, जबकि 14 मंत्री एनसीपी कोटे से होंगे, 10 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री। धनंजय मुंडे का नाम अनाउंस हुआ है और काफी तालियां बज रही हैं। धनंजय मुंडे भी एनसीपी से मंत्री बनेंगे। मी धनंजय पंडितराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धींनी पार पाडीन आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रहपणे तसेच कोणाच्याही विषय ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी धनंजय पंडितराव मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धनंजय मुंडे एनसीपी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, परली से जीत कर आए हैं, महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र परली। और गोपीनाथ मुंडे वरिष्ठ नेता बीजेपी के, उनके भतीजे हैं धनंजय मुंडे और अजीत पवार के काफी नजदीकी माने जाते हैं, काफी क्लोज हैं। और जिस समय अजीत पवार ने बगावत की थी उस समय माना जा रहा था कि धनंजय मुंडे भी उनके साथ जा सकते हैं, हालांकि दोबारा वापसी अजीत पवार की ही हो गई एनसीपी में। धनंजय मुंडे काफी तेज तर्रार नेता हैं, परली से जीत कर आए हैं और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है एनसीपी कोटे से। तो 14 मंत्री बन रहे हैं एनसीपी के कोटे से, 10 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री, जिसमें धनंजय मुंडे का भी नाम है। मुलाकात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का धन्यवाद किया। विजय वडेट्टीवार,
विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस से विजय वडेट्टीवार का नाम पुकारा गया है। कांग्रेस कोटे से मंत्री बनेंगे कैबिनेट मंत्री विजय। मी विजय नामदेवराव वडेट्टीवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी विजय नामदेवराव वडेट्टीवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। विजय वडेट्टीवार NSUI आणि से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था 1981 में। काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और चिमूर लेजिस्लेटिव असेंबली से वो मेंबर हैं। विधानसभा के 50,000 से ज़्यादा वोट से जीत कर आए हैं और कांग्रेस सरकार में वो जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। तो अच्छा एक स्ट्रांग बैकग्राउंड है विजय वडेट्टीवार का और कांग्रेस पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ महाराष्ट्र में। तो चूंकि वो उनका जो होम ग्राउंड है वो नक्सल प्रभावित एरिया है, इस वजह से भी उनकी काफी पूछ पार्टी में कही जा सकती है। तो विजय वडेट्टीवार कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का धन्यवाद किया विजय नामदेवराव वडेट्टीवार देशमुख, और नया नाम पुकारा गया है अनिल देशमुख, क्योंकि NCP कोटे से मंत्री होंगे। मी अनिल वसंतराव देशमुख ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रूपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी अनिल वसंतराव देशमुख ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळविणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। NCP कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। 2014 तक महाराष्ट्र सरकार में वो फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर रहे और नागपुर में उनका घर है और कलोल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कटोल से वो जीत कर आए हैं और उनको मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री बने हैं अनिल देशमुख। नागपुर यूनिवर्सिटी से कृषि में उन्होंने डिग्री हासिल की है। नागपुर के जिला परिषद से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और अब उन्हें
कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। उद्धव ठाकरे कैबिनेट में, अनिल देशमुख कैबिनेट मंत्री, हसन मुशरिफ। एनसीपी कोटे से एक और नाम पुकारा गया है, हसन मुशरिफ का। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुशरिफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुशरिफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात अंडी जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खिरीद करून मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय हिंद, जय सीमा भागासह संयुक्त महाराष्ट्र। हसन मुशरिफ कोल्हापूर के कागल सीट से विधायक चुनकर आए हैं, महाराष्ट्र के श्रम मंत्री भी रह चुके हैं, अच्छा पॉलिटिकल करियर रहा है हसन मुशरिफ का, मुस्लिम चेहरा एनसीपी का, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो हसन मुशरिफ ने अभी अभी शपथ ली है और पहले वो श्रम मंत्री रह चुके हैं, इस बार क्या विभाग मिलता है देखने वाली बात होगी। लेकिन कोल्हापुर के कागल असेंबली से वो जीत कर आए हैं और कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो कांग्रेस के कोटे से आपको बता दें 10 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें 10 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री होंगे। श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड़। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कांग्रेस से मंत्री होंगी, वर्षा गायकवाड़ नाम पुकारा गया है। भारतीय संविधानाचे अभी आगे पीछे कुछ नहीं बोलना है। मी प्राध्यापक वर्षा ललिता एकनाथ गायकवाड़ गांभीर्यपूर्ण दृढ़ कथन करते कि कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी प्राध्यापक वर्षा ललिता एकनाथ गायकवाड़ गांभीर्यपूर्ण दृढ़कथन करते कि महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी सर्व कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून ऐरवी मी कोणा व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जय भीम। वर्षा गायकवाड़ 4 बार की विधायक हैं, 2004 में सबसे पहली बार वो चुनकर आई थी और तब से लगातार वो विधायक हैं। 4th बार उन्होंने जीत हासिल की है धरावी सीट से, मराठी बौद्ध परिवार से ताल्लुक रखती हैं। धरावी सीट से कांग्रेस विधायक हैं और कांग्रेस कोटे से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वर्षा गायकवाड़ कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं कांग्रेस के कोटे से और लगातार 4th बार वो जीत कर आई हैं। इस बार धरावी से बौद्ध परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं और इससे पहले वो महिला और बाल कल्याण मंत्री भी रह चुकी हैं। तो वर्षा गायकवाड़ का अच्छा करियर, शपथ ली उन्होंने राजेंद्र शिंगने। नया नाम जो पुकारा गया है वो राजेंद्र शिंगने का है, जो कि एनसीपी से मंत्री होंगे। 14 मंत्री बनाए जा रहे हैं एनसीपी कोटे से, उसमें राजेंद्र शिंगने का भी नाम है।
मी डॉक्टर राजेंद्र भास्करराव शिंगणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रुहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी डॉक्टर राजेंद्र भास्करराव शिंगणे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. जय जिजाऊ.